भाजपा विधायक व राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार सुबह मीडिया के सामने आकर विभिन्न विषयों पर बात की। इस दौरान बावनकुले ने कहा कि विदर्भ में पिछले 3 दिनों से हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में खेत में लगी फसल सब्जी भाजी पूरी तरह नष्ट हो गई। इस संबंध में विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार से नुकसानग्रस्त फसल का पंचनामा कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स छोड़कर किसानों की समस्या पर ध्यान दे। 3 दिनों से विदर्भ में हुई बेमौसम बारिश से किसानों का काफी नुकसान है। चना, मौसम्बी, तुअर, कपास, सब्जी भाजी समेत खेत में लगी सभी फसल नष्ट हो चुकी है। ऐसे में ओलावृष्टि होने पर राज्य सरकार द्वारा तुरंत दखल ले जाती है और पंचनामा करने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसानग्रस्त फसल का पंचनामा करने के कोई आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि जिलाधिकारी और पालक मंत्री भी चुप बैठे हैं। जब तक जिलाधिकारी और पालक मंत्री दौरान नहीं करेंगे तब तक पंचनामे नहीं होंगे, यह कहना है विधायक चंद्रशेखर बावनकुले का। साथ ही विधायक बावनकुले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के पास दिन भर पॉलिटिक्स के लिए समय है लेकिन किसानों के लिए नहीं, ऐसा आरोप भी लगाया और कहा कि 3 दिन हो गए लेकिन अब तक मुख्यमंत्री ने इस संबंध में फैसला नहीं लिया है, इसलिए जल्द से जल्द पंचनामे कर किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग चंद्रशेखर बावनकुले ने की है। 3 दिवस झाले पूर्व विदर्भ पश्चिम विदर्भा मधला कापूस तूर हरभरा गहू मोसंबी संत्रा पालेभाज्या सारच गेलं आणि जेव्हा गारपीट होतं तेव्हा सरकारला त्याची तात्काळ माहिती होतं, मुख्यमंत्री तात्काळ दखल घेतात आणि आदेश देतात। 3 दिवस झाले माननीय मुख्यमंत्री कुठलेही पंचनाम्याचे आदेश देत नाही, स्थानिक पालकमंत्री दौरे करत नाही, जिल्हाधिकारी शांत बसलेले आहेत, जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री जोपर्यंत दौरे करणार नाही तोपर्यंत पंचनामे होणार नाही, पंचनाम्याचे आदेश काढले नाही। मला वाटतं या सरकारला दिवसभर पॉलिटिक्स करता वेळ आहे पण शेतकऱ्यावर झालेल्या अन्यायाकरता वेळ नाही। उद्धव ठाकरेजी म्हटले होते की बांधावर जाऊन नुकसान भरपाई देऊ, आता बांधही गेला आणि पंचनामाही गेला। माझी मागणी सरकारला आहे की तुमच्या थोडीशी त्या ठिकाणी जर संवेदनशीलता असेल तर तातडीनं आजच्याच पालकमंत्री सर्व पालकमंत्र्यांनी दौरे केले पाहिजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दौरे केले पाहिजे। नुसतं बसून त्या ठिकाणी प्रशासन चालवणं काही योग्य नाही आहे। प्रशासनातले जिल्हाधिकारी आणि जर पालकमंत्री जात नसेल तर त्या ठिकाणी निर्णय न्याय होणार नाही। आज संपूर्ण 50,000 एकरी नुकसान मोसंबीचं झालं, संत्र्याचं झालं, पालेभाज्यात गेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात कापूस गेला आहे, त्यामुळं सरकारने तातडीनं नुकसान भरपाई दिली पाहिजे आणि आपलं आश्वासन जे उद्धव ठाकरेजींनी दिलं ते पूर्ण केलं पाहिजे। मला कळत नाही की 3 दिवस झाले उद्धव ठाकरेजींना कळवलं की नाही कळवलं की विदर्भात गारपीट झाली, किंवा कळवलं असेल त्यांना विदर्भाचं काही घेणं देणं आहे का नाही आहे, आणि त्यामुळे याच्याही त्या ठिकाणी तपास केला पाहिजे। माझी विनंती आपल्या माध्यमातून आहे की सरकारने जागा झालं पाहिजे।